तो अब मैं पहुंच चुका हूँ कोलेम। पूरी तरह से जंगल के बीचों बीच है। फिलहाल के लिए तो स्टेशन के अंदर तो एक चाय वाला भी दिखाई नहीं दे रहा है। हुबली रेलवे स्टेशन जो अब अच्छा भी लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। अब बाहर बहुत ज़्यादा ही ठंड है, यहाँ पे थोड़ा सा गर्म है। और मेरा सोलापुर जाने वाली ट्रेन आ चुकी है 2:45। गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आज मैं जाने वाला हूँ महाराष्ट्र। सो चलते हैं, बहुत बड़ी लंबी जर्नी होगी। महाराष्ट्र से मैं जाऊँगा कर्नाटका, तो 5 दिन की टूर है, तो 5 दिन मैं ऐसे ही घूमते रहूँगा। सो देखते हैं कहाँ कहाँ जाता हूँ मैं। मैं वास्को से निकल चुका हूँ, जो वास्को टू निजामुद्दीन जाता है वो ट्रेन में हूँ अभी मैं फिलहाल। अब मैं वास्को से पहले लोंडा जाऊँगा, लोंडा से हुबली जाऊँगा, और हुबली से मुझे सोलापुर की ट्रेन मिलेगी जो रात को 3-4 बजे आ जाएगी। तो अब पहले मुझे लोंडा जाना है सोलापुर के लिए, और लोंडा से वहाँ से मुझे 2 ट्रेन और पकड़ना है। तो एक बार देख लेते हैं कि इस बोगी में कितने लोग हैं, मेरे डब्बे के अंदर कितने लोग हैं। बिना मुझे छोड़ के तो कोई दिख नहीं रहा है। देखिए पूरा ट्रेन खाली खाली है, यहाँ पे कोई भी नहीं है फिलहाल मुझे छोड़ के तो इस डब्बे के अंदर। गाइस अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने फैमिली के साथ भी शेयर करना। और एक इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ गाइस इस वीडियो को पूरा देखना, और बाकी के मेरे 2 वीडियोस है उसको भी पूरा देखना। इस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दी हुई है कैसे मैंने वास्को से अपना जर्नी स्टार्ट किया सोलापुर तक, कि कौन से मैंने ट्रेन पकड़े और मैं कहाँ कहाँ कितने देर तक रुका हुआ, सारा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है अबाउट माई जर्नी, कि मैं कैसे ट्रैवल किया वास्को से सोलापुर तक। तो अब मैं पहुंच चुका हूँ कोलेम, जैसे कि आप देख सकते हैं ये देखिए। तो अब यहाँ से दूधसागर आएगा केसरवाल, और वहाँ उसके बाद में लोंडा आ जाएगा जहाँ पे मैं उतरूँगा। तो अब मैं आगे जाके आपको दिखाने वाला हूँ दूधसागर वाटरफॉल, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, जो गोवा का सबसे बड़ा वाटरफॉल भी है और गोवा के अंदर आता है, जो कर्नाटक के बहुत ही नज़दीक है बॉर्डर में। कोलेम से दूधसागर वाटरफॉल 10 या 11 किलोमीटर होगा। बहुत सारे लोग ट्रैकिंग करते हुए जाते हैं रेलवे ट्रैक से चल के, और बहुत सारे लोग जाते हैं जंगलों के रास्ते से, और तामड़ी सुल्ला से भी कनेक्टेड है। दूसरा वाटरफॉल जो है पूरी तरह से जंगल के बीचों बीच है। आपको दिखाने वाला दूधसागर वाटरफॉल, तो आप देख लेना बहुत ही बड़ा है।
अब मैं पहुंच चुका हूँ लोंडा रेलवे स्टेशन जहाँ पे मैं बैठा हूँ फ़िलहाल अभी। तो अब मेरा आने वाला ट्रेन है, मीरठ से आ रहा है, सो एक घंटा लेट चल रहा है फ़िलहाल के लिए तो वो ट्रेन। तो अब देखते हैं वो कब आ जाएगा, 8:30 तक आने वाला टाइमिंग उसका बता रहे हैं, 8:30 तक आ जाएगा, तो फ़िलहाल का तो पता नहीं क्या होगा। सो अब मैं फ़िलहाल बैठा हूँ, स्टेशन में भी कोई पब्लिक नहीं दिखा दे रहा है फ़िलहाल के लिए, तो स्टेशन के अंदर तो एक चाय वाला भी दिखाई नहीं दे रहा है। खाना तो बहुत दूर की बात है लेकिन फ़िलहाल तो कोई चाय वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडी भी है, कैसा स्टेशन है समझ नहीं आ रहा है। तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ एट लास्ट हुबली रेलवे स्टेशन, जो अब अच्छा भी लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इसी ट्रेन के ज़रिए मैं आया था यहाँ पे हुबली रेलवे स्टेशन, जो अब जाएगी बेंगलोर। मेरी नेक्स्ट ट्रेन है 3:30 को रात को, तो अब मुझे वेट करना होगा 3:30 तक। तो यहाँ से जाना होगा सोलापुर के लिए, जो रात को 3:30 बजे ट्रेन है, और अब टाइम हो चुका है 10:30, तो 3:30 के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम है, तो थोड़ा बाहर जाता हूँ अब मैं। आज शायद मुझे खाने में ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है लगता है शायद, तो अब मैं खाना शुरू करूँगा, आपसे बाद में मिलता हूँ। तो अब मैं खाना खा के रेलवे स्टेशन वापस जा रहा हूँ, और रात को 3:30 बजे मेरा ट्रेन है, से थोड़ा सा जाऊँगा रेस्टरूम में, थोड़ा सा रेस्ट करूँगा। एक टाइम था जब हुबली रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत ज़्यादा गंदगी होती थी और यहाँ पे भिखारी वगैरह बैठे रहते थे, लेकिन अब ये एक टाइम आ गया आ चुका है कि अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लीन रखा हुआ है एरिया को, आप देख सकते हैं जैसे क्योंकि यहाँ पे कोई कचरा भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, और देखो लाइटनिंग से पूरा स्टेशन को सजाया गया है, बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट बढ़ चुका है हुबली रेलवे स्टेशन में, और यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा क्लीन रखते हैं इस रेलवे स्टेशन को। तो आप भी अगर यहाँ पे कभी आओगे तो आप भी ट्राई करना कि क्लीन रखने की कोशिश करो और गंदगी ना फैलाओ। स्टेशन के बाहर एक छोटा सा गार्डन जैसा है जहाँ पे पब्लिक को अलाव तो किया नहीं जा जाता है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन है जिसमें बहुत सारे कलरिंग फ्लावर्स है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं अंदर जाता हूँ स्टेशन के अंदर। आ गया हूँ बड़े रेलवे स्टेशन के अंदर, तो अब मैं वेटिंग रूम में बैठा हूँ, जब तक मेरी ट्रेन नहीं आ जाती है तब तक मुझे यहाँ पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ही ठंड है, यहाँ पे थोड़ा सा गर्म है। और हुबली रेलवे स्टेशन जो है बहुत ही ज़्यादा सेफ है, लेडीज़ हो या बच्चे हो या फिर बड़े लोगों को या फिर बूढ़े लोगों को, बहुत ही ज़्यादा सेफ है, बहुत ही ज़्यादा क्लीन भी है, और आप भी कोशिश करना कि होता उतना क्लीन रखने की। गाइस गुड मॉर्निंग, मेरा सोलापुर जाने वाली ट्रेन आ चुकी है, 2:45 पर मेरी ट्रेन आई है, इसकी टाइमिंग है 3:10, सो ऑलमोस्ट 15 मिनट जल्दी आया हुआ ट्रेन, 15 to 20 मिनट जल्दी आया हुआ ट्रेन है। मैं ट्रेन के अंदर जाता हूँ,
जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं सोलापुर जाने वाली ट्रेन। चलो अब मैं ट्रेन के अंदर जाता हूँ। चलो गुड नाइट, ठीक है। मॉर्निंग गाइस, एक नए दिन के साथ एक नया शुरुआत करने जा रहा हूँ। मैं ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ अली मट्टी डैम से। हम जाने जाते हैं अली मट्टी डैम कर्नाटक में है। तो अब यहाँ से मुझे सोलापुर जाना है। दोपहर 1 बजे तक पहुँच जाऊँगा मैं ऑलमोस्ट। अगर जल्दी पहुँच गया तो अच्छी बात है। और आपको मैं सनराइज़ दिखाता हूँ, ब्यूटीफुल जो मैंने अभी जस्ट कैप्चर किया है, देखा है मैंने जो माउंटेन्स के अंदर से नदी के बीच में से जो सनराइज़ होता है बहुत ही ब्यूटीफुल है। और आपको भी दिखाता हूँ मैं, तो अभी देखिएगा।